कांग्रेस पार्टी नोटबंदी की बरसी पर काला दिवस मनाएगी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर पार्टी ने नोटबंदी की वर्षगांठ पर काला दिवस मनाने का निर्णय किया है। ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रताप सिंह हाचरियावास का। हाचरियावास ने बताया कि कांग्रेस इस दिन जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी और शाम को 8 बजे इसके विरोध में जयपुर के अमर जवान ज्योति पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता कैंडल मार्च करेंगे, क्योंकि नोटबंदी से किसी का भी फायदा नहीं हुआ, बस लोगों को परेशानियां ही हुई हैं। दूसरी ओर भाजपा सरकार ने नोटबंदी को अपनी उपलब्धि मानते हुए इस दिन को जश्न के तौर पर मनाने का निर्णय किया है। कि 8 नवंबर को जयपुर में काला दिवस मनाएंगे कांग्रेस के लोग, और काला दिवस के दिन जयपुर कलेक्ट्रेट पर बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। रात को 8 बजे जो नोटबंदी के दौरान लाइनों में लगकर मौत का शिकार हो गए, जिनकी डेथ हो गई, उन सब लोगों को रात को 8 बजे कैंडल जलाकर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ये प्रोग्राम कर रही है। कांग्रेस ये जो नोटबंदी के लिए काला दिवस मना रही है वो सारे देश के लोगों के समझ में आ रहा है। राहुल गांधी के आह्वान पर ये किया जा रहा है और पूरे देश में, पूरे राजस्थान में सब